हाथों में तख्तियां, जुबान पर सरकारी विरोधी नारे, प्रदर्शन की तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की हैं। जहां सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने गर्भपात के नियम में बदलाव के लिए प्रदर्शन किया। शनिवार को हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बच्चों और भारी संख्या में पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल अर्जेंटीना की संसद ने पिछले साल गर्भपात को वैध बनाने वाले विधेयक को खारिज कर दिया था। इस विधेयक में गर्भधारण के 14 हफ्तों के अंदर गर्भपात की इजाजत की बात कही गई थी। अर्जेंटीना में गर्भपात को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थकों का कहना है कि अब भी अर्जेंटीना में महिलाएं गर्भपात कराती हैं, लेकिन गैर कानूनी होने के चलते उन्हें खतरा उठाकर ऐसा करना पड़ता है। इसमें कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना में अवैध गर्भपात के बाद हजारों महिलाओं को हर साल अस्पताल लाना पड़ता है। साल 2016 में इसके चलते 43 महिलाओं की मौत हो गई थी। लिहाजा एक बार फिर अर्जेंटीना में गर्भपात के नियम में बदलाव को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं।